व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले सस्ते एयरपॉड्स। यो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले सस्ते एयरपॉड्स को, नहीं नॉइस एयरबड्स प्लस। अब ये एक ट्रू वायरलेस एयरफोन्स है या फिर एयरबड्स, TWS एयरबड्स, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल, जो कि आते हैं नॉइस की तरफ से। और ट्रू वायरलेस एज द वर्ड सजेस्ट, एक्चुअल में जीरो वायर्स होते हैं। बेसिकली ये पूरा इंस्पायर्ड बाय एयरपॉड्स प्रो है, तो वो एकदम मतलब वही चीज मिल जाती है कम कॉस्ट में। और क्या डिफरेंस है वो सब भी, तो मैं आज आपको इस गाड़ी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर बॉक्स में मेंशन चीजों की बात करें तो फुल टच कंट्रोल है लाइक एयरपॉड्स, और आजकल ये बहुत ही कॉमन चीज हो गया, सारे ट्रू वायरलेस पे होता है। मतलब आप टच करो, प्ले पॉज, वॉल्यूम अप डाउन, और भी दोनों एयरबड्स में इंस्टा चार्ज मिल जाएगा। ये चीज एक्चुअल में है इस एयरफोन्स के साथ, लाइक मैंने टेस्ट किया है, चार्जिंग बहुत फास्ट है, और उसी के साथ साथ बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है, 20 आवर टोटल प्ले टाइम। अब 20 आवर तो नहीं कह सकते, बट स्टिल अच्छी अमाउंट की है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। और USB-C चार्जिंग इसके साथ मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। जनरली आजकल हर जगह माइक्रो USB चल रहा है, बट इन्होंने USB-C देके एक लेवल अप किया है अपने स्टैंडर्ड्स को, तो ये काफी अच्छी चीज है, अप्रिशिएटेड। ये है फाइनल बॉक्स इसका जो आपको मिलता है, नॉइस एयरबड्स प्लस, और भाई काफी हैवी टाइप का है, प्रीमियम ने सारी है, पूरा प्लास्टिक लगाया गया है ऊपर। और अब हम लोग ये भी ओपन कर लेते हैं। सो ये रहा फाइनली हमारा बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे एक सील है, और मैं हमेशा से आपको कहता हूँ हर सील का ध्यान रखना, क्योंकि भाई सील का मतलब ही है कि तुम्हारा प्रोडक्ट ओरिजिनल है। सील ओपन हो ना तो कभी भी लेना नहीं चाहिए, उसे रिटर्न कर दो। तो ये कुछ ऐसे खुलता है डायरेक्ट, और ये कुछ नहीं है, खाली है। और ये रहा आपका, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसकी चार्जिंग केस मिल जाती है, जो कि भाई काफ़ी प्रीमियम टाइप का लग रहा है। जैसे मैंने एप्पल के एयरपॉड्स प्रो भी यूज़ किए, तो उस टाइप का ही सच में लग रहा है। लाइक कोई लुक से नहीं बता सकता कि ये एप्पल का है या फिर नहीं। इन्होंने ना छोटे छोटे चेंजेस किए, एप्पल का लाइट आगे होता है, इन्होंने पीछे कर दिया भाई, नहीं तो कॉपीराइट हो जाएगा एक टाइप का। और यहाँ पे और हमें नीचे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोग पॉज करके पढ़ लो, पढ़ना है तो मैं साइड में रख देता हूँ। और इसमें अब 3-4 से स्टिकर है भाई, बहुत ज़्यादा स्टिकर दे दिया नॉइस, बट स्टिल थैंक यू। और यहाँ पे बहुत कुछ है ऐप ऐप के बारे में, जो कि हमें पढ़ना नहीं है, सो बाय बाय। और ये रहा हमारा फाइनल जो एयरफोन्स है, जिन्हें मैं पीछे से फुल कर लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, आप लोग देख सकते हो, मतलब काफ़ी है, ये उतने हैवी नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो काफ़ी सही है, एयर्स के लिए भी सही रहेगा। तो अनबॉक्सिंग के लिए इतना ही। बॉक्स के अंदर आपको एक वाइट कलर की एडिशनल सी टाइप चार्जिंग केबल मिल जाती है, तो भाई नॉइस पैसे तो बहुत कम ले रहे हैं, और इतने कुछ फ्री में। प्लस आपको 3 पेयर ऑफ बर्ड्स मिल जाते हैं, मतलब ऑफ कोर्स वो बस बर्ड्स के कवर होते हैं, बर्ड्स नहीं, जिसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो 2 आपको स्मॉल मिलते हैं, 2 मीडियम और 2 लार्ज, और वो आप अपने हिसाब से चेक करके प्रेफर कर सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट आपको मीडियम लगा हुआ मिलता है, और मैंने इसे चेंज करके स्मॉल किया अपने हिसाब से, आप लोग भी अपने साइज वगैरह के हिसाब से बदल सकते हो। तो कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी काफी इजी है, मतलब आपको बस एयरफोन्स लेने अपने, जैसे मैं ये बता रहा हूँ नए डिवाइस के साथ कैसे करना है, उसे ओपन करना है, प्लस जो ये बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करना है, फिर ये LEDs लॉन्ग मतलब ब्लिंक करते रहेंगी, उसी टाइम में आप अपने फोन में पेयर न्यू डिवाइस में जाओगे तो आपको इंस्टेंट एयरबड्स प्लस दिख जाएंगे, आप एक क्लिक करोगे देन यू आर गुड टू गो कनेक्टेड। उसके बाद का प्रोसेस काफी इजी है, जब भी आप अपने लिड को क्लोज कर दोगे वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जब भी आप ओपन करोगे आपके फोन का ब्लूटूथ ऑन रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो नॉइस इसे हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी कहती है, और ये काफी मैं एक्चुअल डे टू डे यूज के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब जनरली आप हर दिन खोल के ब्लूटूथ ऑन करके क्लिक करके कनेक्ट नहीं करने वाला, सिंपल है, जब आप ओपन करते हो यू आर कनेक्टेड, क्लोज डिसकनेक्टेड, तो ये काफी अच्छी फीचर है। तो अगर इसकी डिजाइन की बात करें तो ये पूरा एयरपॉड्स प्रो से इंस्पायर्ड है, बॉक्स एकदम सिमिलर दिखने वाला है आपको,
और व्हाइट कलर का मिल जाता है तो वो और ही ज्यादा सिमिलर लगता है। बस फर्क ये कि आपको एयरपॉड्स प्रो में आगे एलईडी लाइट्स मिलते हैं, जबकि इस पे आपको आगे नॉइस की ब्रांडिंग और पीछे एलईडी लाइट्स प्लस बटन मिल जाती है। तो प्लास्टिक क्वालिटी केस का काफी अच्छा है, ड्यूरेबल है। इनफैक्ट मुझसे रिव्यू करते टाइम दो बार ही गिरा, स्टिल इसमें कोई स्क्रैचेस या फिर कुछ भी विजिबल नहीं है। इनफैक्ट आपको अगर अच्छा प्रोटेक्शन चाहिए तो आप लोग जाके अमेजोन से इसके कवर भी ऑर्डर कर सकते हो। और एयरबड्स की बात करें तो एयरबड्स पे आपको एक नॉइस की ब्रांडिंग मिल जाती है छोटी सी, एक टच सेंसर मिल जाता है और आगे के पोर्शन में आप एयर कप्स आपके लगे हुए होते हैं। तो ओवरऑल कंफर्ट की बात करें तो एयर कप्स काफी कंफर्टेबल है, मतलब आप लॉन्ग आवर्स तक भी पहनोगे तो इतनी लाइट है कि आपको लगेगा नहीं कि कुछ पहना भी है, लगेगा नॉर्मल स्पीकर से आवाज सुन रहे हो। तो कंफर्ट 10/10। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल बैटरी लाइफ की, मतलब भाई कंपनी क्लेम तो 20 घंटे भी कर सकती है बट एक्चुअल में बैटरी लाइफ की बात करें तो ये तो चार्जिंग केस के साथ 20 आवर्स होता है। एक्चुअल में जब आप यूज करोगे, जब एयरबड्स भी फुल हो चार्जिंग केस भी फुल हो, तो एयरबड्स का पेयर आपको 3 आवर्स की बैटरी लाइफ दे देता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद फिर आपको चार्जिंग केस में डालना होगा, फिर वो अराउंड 1-2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। उसके बाद फिर आप 3 आवर्स की बैकअप यूज कर सकते हो। तो एक तरीके से आप 2 दिन आराम से ये एयरफोन्स यूज कर सकते हो बिना वायर्स को प्लग किए, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा। बेसिकली सब कुछ यूजेज पे डिपेंड करता है। आप जो हर टाइम पूरे दिन ही एयरफोन्स यूज कर रहे हैं उसे हो सकता है उसी दिन चार्ज करना पड़े फिर से, बट इतना तो मैं श्योर हूँ ये 1 डे का बैकअप आपको इजीली प्रोवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं साउंड एंड कॉल क्वालिटी। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो इसका कॉस्ट है इससे अब तुम लोग एयरपॉड्स प्रो को नहीं कंपेयर कर सकते, वो इससे बहुत ऊपर के लेवल का है और ये अभी उसका एकदम नीचे, सबसे नीचे के लेवल में। तो साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है, सब कुछ बैलेंस्ड है, कुछ भी मुझे ज्यादा नहीं लगा और ठीक ठीक है, मैं एवरेज से बेटर ही बोलूंगा। इनफैक्ट अगर ऑन अ स्केल ऑफ 10 मुझे इसे रेटिंग देना हो तो मैं इसे स्ट्रांगली 8.5 दे सकता हूँ ओवरऑल साउंड क्वालिटी में, क्योंकि भाई जिस कॉस्ट में ही आ रहा है उसके हिसाब से साउंड एकदम अच्छा है। और कॉल क्वालिटी की बात करें तो कॉल क्वालिटी काफी अच्छी है, मैंने माइक भी इसका चेक किया दूसरों से बात करके, सामने वालों को भी आउटपुट एकदम अच्छा मिल रहा है, प्लस आपको भी एकदम लाउड सुनाई दे रही है। तो कॉल क्वालिटी इज ऑल्सो 9/10। एडिशनल फीचर्स की बात कर ले तो आपको इसमें IPX5 वाटर रेसिस्टेंस मिल जाता है। अब IPX5 रेसिस्टेंस कंप्लीट वाटर रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब पानी के अंदर डालोगे मोस्ट प्रोबेबली कुछ होना तो नहीं चाहिए, बट वो ब्रांड भी एश्योर नहीं कर रहा। बेसिकली ये स्वेट रेसिस्टेंस है ओवरऑल, तो ये बेसिक सी वाटर रेसिस्टेंस है, आपको सारे ईयरफोन्स के साथ आजकल मिलती है। और जो इंस्टा चार्ज टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप 8 मिनट सी टाइप चार्जिंग दोगे इसे तो आप 80 मिनट्स का प्लेबैक टाइम इससे ले सकते हो, बट वो उसमें एक प्रॉब्लम होती है, वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। अगर आप 100% पे लोगे तो आपको 80 मिनट्स ऑफ कोर्स नहीं मिलने वाली, आपको अराउंड वो 60-70% के बीच पे वॉल्यूम अपना रखना होगा, तभी आपको उतना बैकअप मिलने वाला है। और इस पे आपको 1 key रीसेट मिल जाता है, मतलब आप बस वो केस के बैक बटन को प्रेस करो और फिर वो रीसेट हो जाएगा और पेयरिंग मोड में चला जाएगा, जो कि काफी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल फीचर है। इसमें आपको 6 mm के ड्राइवर भी मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छा साउंड प्रोवाइड करती है, प्लस 2 इंडिविजुअल माइक्स है, कोई भी कंबाइंड माइक नहीं है, तो उससे भी आपकी कॉल क्वालिटी काफी इम्प्रूव हो जाती है। और 6 mm के ड्राइवर एक्चुअली में इस सेगमेंट में बहुत कॉमन है, आपको यही मिलने वाला है, और भाई 6 mm इनफ है एक ईयरबड्स के लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इज इट वर्थ इट, लाइक ये 2000 के रेंज तक चला जाता है, अभी सेल में इसका कॉस्ट 1600 था। तो हाँ ऑफकोर्स ये डेफिनेटली वर्थ इट है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि एक 2000 के अंदर अच्छा ट्रू वायरलेस एयरफोन सजेस्ट करने, तो मैं आपको यही करने वाला हूँ। कंपटीशन बहुत बड़ी है एयरफोन्स की, बट नॉइज एक ऑल इन वन चीज बन जाती है, एयरपोर्ट वाला लुक, अच्छी बैटरी लाइफ, अच्छी साउंड एंड कॉल क्वालिटी, तो वो सारे चीजें इस एयरफोन्स पर आपको मिल जाते हैं अराउंड 1600 से 2000 के बीच में, तो उससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नॉइज से। तो हाँ इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। So that's it for today's video. Hope you all enjoyed. और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। And I'll see you in the next video. Till then, bye.